आज दो धाराओं की बहुत चर्चा जारी है। एक तो धारा 370 की है, तो दूसरी धारा है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हाहाकार मचाई हुई है। जम्मू से एक वीडियो सामने आया है जिसे देखने वालों की भी सांसें थम गई। जम्मू में अचानक तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से दो लोग फंस गए। नदी का बहाव बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ जिंदगी खतरे में नजर आ रही थी, लेकिन तभी आसमान से देवदूत उतरता है। रस्सी के सहारे एक जवान नीचे आता है और वहां फंसे दोनों लोगों को रस्सी से बांधता है। उनके कपड़े एक बैग में इकट्ठा करता है, फिर दूसरी तरफ बढ़ता है और शख्स की चप्पल को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। फिर जवान इशारा करता है और हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे गिरती है। उसके बाद फंसे दोनों लोगों को रस्सी के सहारे एयरलिफ्ट किया जाता है। एयरलिफ्ट किए गए लोगों को जब तक सुरक्षित जगह पहुंचाया नहीं जाता, तब तक सेना का जवान उफनती लहरों के बीच निर्माणाधीन पुल पर बैठा रहता है। इसके बाद दोबारा हेलीकॉप्टर वापस आता है और जवान को भी एयरलिफ्ट किया जाता है। जम्मू से रेस्क्यू का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जम्मू में जहां सेना के जवान आर्टिकल 370 के हटने के बाद से हालात को संभाले हुए हैं, वहीं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से नहीं चूक रहे हैं। R9 TV के लिए अनु सिंह की रिपोर्ट।